हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 PSP गेम्स आप लोगों के एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर। यानी कि दोस्तों, आज की इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों को पता चलने वाला है बहुत ही ज़्यादा कमाल के हाई ग्राफिक्स PSP गेम्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन से गेम्स हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा एक लाइक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे सीरीज़ के फर्स्ट गेम की, जो निकल के आता है जेटाई जेट्सोमी तोसी 3। दोस्तों, इसका नाम भले ही बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन ये गेम बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का और हाई ग्राफिक स्टोरी बेस्ड गेम होने वाला है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टोरी दिखाई जाती है एक कैरेक्टर की, जिसका नाम है दोस्तों नायोकी। नायोकी एक लड़की है जो कि पढ़ना चाहती है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर बड़े शहर में, जैसा कि दोस्तों सभी का सपना होता है। लेकिन एक दिन उसका ये सपना सच हो जाता है और वो चली जाती है दोस्तों उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद से आपको जो गेम का एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है दोस्तों, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, और उसके बाद से ही वहाँ तबाही मच जाती है और आप लोगों को उसमें सर्वाइव करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं, बचते हुए कार्स के ऊपर चढ़ते हुए ढेर सारे पजल को सॉल्व करते हैं। बीच बीच में आप लोगों का सामना एनिमीज से होता है, उनसे आप लोग फाइट भी करेंगे। और अगर बात करूं मैं इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है दोस्तों 912 MB। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज के सेकंड गेम की, जो निकल के आता है समुराई डियो 2। अब ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का हाई ग्राफिक समुराई फाइटिंग गेम होने वाला है। अगर बात करी जाए गेम की स्टोरी की, तो एक्चुअली में दोस्तों आप लोग रोल प्ले करने वाले हैं समुराई का, जो कि बचाता है अपनी पूरी की पूरी फैमिली को आने वाली सभी कठिनाइयों। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो चाहता है कि पूरे शहर में अमन और शांति हो जाए, जो कि अपोजिंग लीडर है उनका डट के सामना करता है, सारे के सारे एनिमीज को मार गिराता है। और ये स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा धमाकेदार दिखाई गई है, यानी कि जो गेम का एक्सपीरियंस होगा उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे बैटल्स देखने को मिल जाएगी, और जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा। और चलिए खैर, इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे थर्ड गेम की, निकल के आता है सिफॉन फिल्टर डार्क मैटर। अब दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का टिपिकल स्टाइल वाला थर्ड पर्सन गेम होने वाला है। जैसे गेम्स आपको पसंद आते हैं, गन लेके निकल जाइए, ढेर सारे कंपेन स्टोरी आपको दी जाएगी जिसे आप लोग फॉलो करेंगे, फाइट करेंगे ढेर सारे एनिमीज से, साइंस फिक्शन माहौल दिया जाता है, बहुत सारे पजल्स बीच बीच में आती हैं, काफ़ी सारे ऑप्टिकल्स आते हैं जिनका आप लोगों को सामना करना होगा, बॉस फाइट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, एक के बाद एक वेव चलती जाएंगी, यानी कि ढेर सारे एनिमीज आते चले जाएंगे और इन सभी को आप लोग शूट करके हरा देंगे। और अगर आप लोगों को साइंस फिक्शन के अलावा थोड़ा रियलिस्टिक माहौल में शूटिंग करना पसंद है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे हमारे सीरीज के फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है सोकॉम 3। अब ये गेम टोटली बेस्ड होने वाला है US नेवी के ऊपर, यानी कि आप US नेवी में जाएंगे, फाइट करेंगे अपनी कंट्रीज़ की तरफ से, आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी, ये आप लोगों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, मिशंस आप लोगों को दिए जाएंगे और उनको आपको कंप्लीट करके दिखाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारी डेंजरस और क्रिटिकल सिचुएशन का भी आप लोगों को सामना करने को मिलेगा, यानी कि एक धमाकेदार आर्मी स्टाइल का गेम ये होने वाला है। अगर आप लोगों को ऐसे गेम पसंद है जहाँ पर आप लोगों को रियलिस्टिक अप्रोच दिखाई जाती है, आप लोगों को बैटलफील्ड का सामना करने को मिलता है असली तरीके से, तो डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए खैर, इसी के साथ सीरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिफ्थ गेम की, यानी कि दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मिडिल में। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो दोस्तों जल्दी से लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक अभी तक आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आना शुरू हो चुका होगा। हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार गेम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे जैसे आप लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे गेम्स आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों है हमारा फिफ्थ गेम, ये गेम बहुत ही बड़े फ्रेंचाइजी को बिलोंग करता है, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मेटल गियर सॉलिड पीस वॉकर की। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेटल गियर सॉलिड सीरीज़ का नाम ऑलरेडी सुना होगा, जिनके गेम्स आप लोग PC पे कंसोल्स पे काफ़ी टाइम से प्ले करते हुए आ रहे हैं, और अब आप लोग ये गेम अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी प्ले करेंगे। इस गेम में जनरली आपको काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल जाता है, ढेर सारा एडवेंचर देखने को मिलता है, और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंपेन दिया जाता है, यानी कि ऐसी धमाकेदार स्टोरी जिसको आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक लगातार फॉलो करते चले जाते हैं, एक मिनट का भी आप लोगों को बीच में गैप नहीं मिलता है। और दोस्तों सबसे मज़ेदार आपको देखने को मिलता है इस गेम का गेम प्ले एक्सपीरियंस,
यानी कि आप लोग अपने टारगेट को लॉक कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन सही टाइम का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में लेते हैं एक्शन और नॉकआउट कर देते हैं। यानी कि आपको बहुत ही कमाल का गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। अगर बात की जाए गेम की साइज की तो वो होने वाला है 1.4 GB। चलिए दोस्तों, अब आपने बहुत सारा गन गेम्स को देख लिया, अब आपका मन है एडवेंचर गेम का, नए नए ब्यूटीफुल लोकेशंस में जाने का, तो बात करते हैं हमारे सीरीज के 6th गेम की, जो निकल के आता है मॉन्स्टर हंटर। मॉन्स्टर हंटर फ्रीडम टू के गेम के अंदर आप हंटर होने वाले हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को मारता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पे आपका सामना होगा खतरनाक मॉन्स्टर से, जिनसे कई बार डर भी लगता है, लेकिन आपके पास जो वेपन्स है इतनी ज़्यादा कमाल की है कि आप लोग उसे आसानी से हरा पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गेम आपको टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग चाहे जहाँ भी जाना चाहे, जिससे भी बात करना चाहे, आप लोग अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन, एक सिटी एक टाउन दिखाया गया है इस गेम के अंदर, जहाँ पे आप लोग सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यानी कि ये गेम टोटली स्टोरी बेस्ड गेम होने वाला है, जिसमें सारे के सारे इंसिडेंट्स आपस में कनेक्टेड होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ की 7th गेम की, जो निकल के आता है टॉम क्लैंसीज घोस्ट रिकॉन प्रीडेटर। अब इस गेम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं टॉम क्लैंसी या घोस्ट रिकॉन की जो सीरीज़ है, कितनी सारी गेम्स आप लोगों ने पीसी या फिर कंसोल्स पे प्ले किए हैं, और अब फाइनली आप लोग इस गेम को प्ले अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी प्ले करने वाले हैं। अगर बात करी जाए गेम के गेम प्ले की, तो सबसे पहले यार आप गेम का एक्सपीरियंस देख लीजिए। जो ग्राफिक्स आप लोगों को मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी, और इतने पॉपुलर फ्रेंचाइजी का गेम है, वही स्टोरी, वही लीड कैरेक्टर, उसी को देखने को अपना अलग ही मज़ा है। और उसका दोस्तों जो सूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक अच्छा शूटिंग गेम है। अगर आप लोगों को शूटिंग गेम भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कीजिएगा। इस गेम का साइज होने वाला है दोस्तों 900 MB। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीरीज़ के 8th गेम की, जो निकल के आता है डेफ जैम फाइट फॉर NY। ये गेम है इंस्पायर्ड हिप हॉप कल्चर से, और यहाँ पे आपको ढेर सारा पॉपुलर कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है, यानी जिनके बीच में आप लोगों को फाइट करानी होगी, यानी कि ढेर सारा एक्शन आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाएगा। हर एक कैरेक्टर्स की अपनी एक खतरनाक स्पेशल मूव्स है, आप लोगों को बनाने होंगे अच्छे अच्छे कॉम्बोज और उनसे भी कैरेक्टर्स को हराना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम में आपको कमाल के सिनेमेटिक्स और स्टोरी भी दिखाई जाती है। जैसे जैसे गेम में आप लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे, आप लोगों को जो पूरा का पूरा सीक्रेट्स है वो सभी पता चल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है दोस्तों 480 MB। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ के 2nd लास्ट गेम की, यानी कि दोस्तों 9th नंबर का गेम जो निकल के आता है इंडियाना जोन्स एंड द स्टार्स ऑफ किंग। अब यहाँ पे आप लोगों को इस सीरीज़ में एक इंडियाना जोन्स का भी गेम देखने को मिल चुका है, यानी कि इतने सारे पॉपुलर फ्रेंचाइजी आप लोगों इस एक वीडियो से ही प्ले कर पाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियाना जोन्स का नाम नहीं सुना है तो भाई लोग क्या कर रहे हो यार, इतने सारे पॉपुलर फ्रेंचाइजी, इतने बड़े कमाल की मूवीज़ इनके ऊपर ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो चलिए खैर दोस्तों, बात करते हैं गेम की, तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही देखने को मिलेगा जैसे कि आपको मूवीज़ में मिलता है, ढेर सारा कमाल का एडवेंचर, बहुत सारी पजल्स और काफ़ी सारे फाइट सिक्वेंस। और चलिए दोस्तों, फाइनली वक्त आ चुका है हमारे सीरीज़ के लास्ट गेम के बारे में बात करने का, और वो निकल के आता है दोस्तों द 3rd Birthday। अब ये गेम बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफिक्स PSP गेम होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये एक साइंस फिक्शन गेम होगा, और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ को बिलोंग करता है, द 3rd Birthday। यहाँ पे आप लोगों का सामना होगा दोस्तों खतरनाक क्रिएचर से, एलियन से, जिनसे आप लोग फाइट करेंगे अपनी गन्स और ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीट स्टोरी लाइन दिखाई जाती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस कॉरपोरेशन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, और आगे जाकर दोस्तों आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। एट लास्ट अगर मैं बात करूं इस गेम के साइज़ की, तो वो होने वाला है दोस्तों 1.2 GB। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर पॉपुलर फ्रेंचाइजी और हर एक गेम को अलग डिफरेंट चूज़ करने की, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे PSP गेम्स के बारे में पता चला होगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट PSP गेम कौन सा है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो भाई जरूर से जाकर कीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो तो कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।